ये लास्ट रेडमी का नोट सीरीज था जो सबसे ज्यादा सेल हुआ था, और ये था गाइस नोट 10 सीरीज। एंड इस फोन के साथ क्या हुआ है शायद आपने गैस कर ही लिया होगा। एनीवे मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि ये डिवाइस जब आई थी उस टाइम पे क्या था कि रेडमी के फोन्स का प्राइस भी कम रहता था और स्पेक्स अच्छे मिलते थे। उसके बाद रेडमी के जो भी फोन्स आए, जैसे कि अगर नेक्स्ट जनरेशन की बात करें 11 प्रो सीरीज, तो ये उतनी खास चल नहीं पाई क्योंकि उस टाइम पे कुछ और फोन आने लगे थे। लेकिन फिर भी रेडमी ने कुछ खास फिक्स नहीं किया। रेडमी ने दो नए जनरेशन के फोन लॉन्च किए, ये डिवाइस उतना खास कमाल कर नहीं पाई बिकॉज ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। कर्व डिस्प्ले के फोन ज्यादा आने लगे थे, रेडमी वाले एक तो यहां मात खा गए, प्लस प्राइस भी बहुत ज्यादा था। लेटेस्ट फोन आ चुके हैं गाइस 13 प्रो एंड द 13 प्रो प्लस। आज में कंपैरिजन करना है इन दोनों फोन के बीच में तो करना ही करना है। साथ में हम एक और फोन टॉस करते हैं और वो है रेडमी नोट 12 प्रो, क्योंकि हमने ऑलरेडी 13 प्रो प्लस एंड 12 प्रो प्लस को कंपेयर कर रखा है डिटेल में। आप वो चेक कर सकते हैं कि इन दोनों फोन के बीच में क्या सीन है। इन हैंड फीलिंग किस फोन में कैसी आ रही है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। 12 प्रो में क्या था कि डिजाइन थोड़ा ठीक था, ग्लास बैक पैनल था ऑलरेडी, क्रैक्स देख के समझ सकते हैं, प्लास्टिक फ्रेम था, फ्लैट डिजाइन था जो कि ज्यादा सॉलिड ड्यूरेबल होता है, दैट्स व्हाई रेडमी के फोन आपने देखा था टूटे नहीं थे। फोन में फीलिंग टिपिकल रेडमी वाली थी लेकिन अच्छी थी, सॉलिड मस्कुलर फीलिंग थी। अब आपको सेम फीलिंग चाहिए तो रेडमी नोट 13 प्रो आपको एग्जैक्टली सेम फीलिंग दे रहा है। अब ये ग्लास है कि प्लास्टिक है मुझे तो पता है, मैं आपको नहीं बताने वाला, आपको डिलीवरी के लिए वेट करना पड़ेगा। तो 13 प्रो एट 12 प्रो में आपको नियरली सेम एक्सपीरियंस मिलेगा होल्ड करने का, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आपको नजर आने वाला है। बट अगर आप रेडमी नोट 13 प्रो प्लस में जाएंगे, बाय द वे आपको ये स्मेल याद होगा ना, अनबॉक्सिंग में सबसे मस्त स्मेल आ रही थी, लेकिन अब ये स्मेल जा चुकी है। ये डिवाइस अब थोड़ी सी आपको ना लग्जरी टच दे सकती है, जैसे कि देखो वीगन लेदर ऑफ कोर्स है, फ्रंट में भी आपको कर्व डिस्प्ले मिलने लगा है। तो प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए प्रो प्लस वाले मॉडल पे, स्टैंडर्ड रेडमी का फ़ोन चाहते हैं तो आपके लिए 13 प्रो पे जाना चाहिए, और अगर आप 12 प्रो रखे हैं तो आपको समझ में आ गया कैसा एक्सपीरियंस मिल सकता है। एसेंशियल्स में देखिए 13 प्रो में ऑफकोर्स आपको हेडफोन जैक मिल रहा है जस्ट लाइक 12 प्रो में, लेकिन 13 प्रो प्लस में वो चीज़ हट चुकी है। बॉटम पे डिज़ाइन वही है, ड्यूअल 5G सिम कार्ड है और स्पीकर, तमाम तरह की चीज़ें हैं। 12 प्रो प्लस में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था, जबकि बोथ प्रो एंड दी प्रो प्लस में 13 सीरीज में आपको अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। प्रो एंड प्रो प्लस में कैमरा मॉड्यूल काफ़ी बिग है कंपेयर टू इसके, बिकॉज यहाँ पे 50 MP था, अब ये 200 है, तो दैट्स द डिफरेंस। क्या फर्क है तीनों फोन के डिस्प्ले में, देखो अभी आपको मैं सेम एंगल से फुल ब्राइटनेस में तीनों फोन के डिस्प्ले दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा एसम्पशन कर लीजिए कि हाँ ये बढ़िया वो बढ़िया ये बढ़िया, स्पेक्स बिना जाने हुए वैसे देखने में गाइस फर्क नहीं लग रहा है, ब्राइटनेस तीनों फोन की अच्छी है, लेकिन स्पेक्स वाइज कंपेयर करेंगे तो लास्ट जनरेशन के प्रो प्रो प्लस से इस जनरेशन के 13 प्रो एंड प्रो प्लस में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, जैसे कि पीक ब्राइटनेस में, रिजोल्यूशन में, PPI में, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में, ग्लास की प्रोटेक्शन में, बहुत तरह के चेंजेस आ चुके हैं। सो 12 प्रो से 12 सीरीज से अगर आप 13 सीरीज में आते हैं तो ये मेजर चेंजेस दिख गए। अब अगर 13 प्रो एंड 13 प्रो प्लस की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है, एक ही डिफरेंस है वो है फ्लैट वर्सेस कर्व का। 13 प्रो प्लस में आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, 13 प्रो में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। MIUI 14 आ चुका है Redmi Note 12 Pro Plus में, कुछ दिन पहले तो लिया था, मैं इसको रिबूट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ये जब तक हो रहा है हम बात कर लेते हैं गाइस परफॉर्मेंस एंड दी सॉफ्टवेयर की। देखो सॉफ्टवेयर का क्या सीन है, तीनों फोन एग्जैक्टली सेम कंपनी के हैं तो रोम का एक्सपीरियंस आपको सेम मिलने वाला है, लेकिन एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको ये फील हो सकता है। लाइक अगर आप लेटेस्ट डिवाइस बाई कर रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स एक्सपीरियंस थोड़ा सा नया मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख लेंगे, अगर मैं आपको डिटेल इन्फो दिखा दूँ तो चल तो देखो तीनों MIUI 14 रहे हैं, लेकिन है क्या ना कि तीनों लाइक नियरली सेम पे हैं, एंड्रॉयड 13 पे ही तीनों डिवाइसेस चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रो एंड प्रो प्लस आ रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा नया वर्जन ऑफ एंड्रॉयड मिल जाए, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। पहले मैं आपको कुछ बेंचमार्क नंबर दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि ओल्डर जो रेडमी का CPU था यहाँ पे Dimensity 1080 उसकी परफॉर्मेंस कैसी है कंपेयर टू Snapdragon के एंड दी Dimensity 7200 Ultra के, बिकॉज 4 नैनोमीटर पे आ गए। ओके अब
डिस्क रीड एंड राइट स्पीड देख लें, यहाँ पे भी आप फ़र्क देखेंगे, काफ़ी चेंज है। जो प्लस वाला वेरिएंट है वो आपको बहुत मज़ा देने वाला, बिकॉज यहाँ पे आपको UFS 3.1 मिलता है, जबकि प्रो एंड दी 12 प्रो में बोथ में आपको UFS 2.2 है। तो रीड राइट स्पीड का फ़र्क पड़ जाएगा, आप 7 Gbps तक आप स्पीड पा सकते हैं, जो कि 13 प्रो एंड 12 प्रो में नहीं दिया गया है। थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं, इनकेस आप नहीं समझते थ्रॉटलिंग वॉटलिंग, तो कोई ऐसा एप्लीकेशन चला रहे हैं जो CPU बहुत यूज़ करता है, जैसे कि आप कोई भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन, काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर, ऐसा कुछ ना कुछ चला रहे हैं फ़ोन में, मतलब एनी टास्क जिसमें आपका फ़ोन काफ़ी देर तक लगातार चलता है, तो उस केस में थ्रॉटलिंग आप देख सकते हैं। वैसे तीनों फ़ोन में ज़्यादा थ्रॉटलिंग मुझे लगी नहीं, एक्चुअल आ जाते हैं गाइज तोड़ू परफॉर्मेंस में, यानी कि BGMI किसमें अच्छा चलता है। हमने दबा के 20-30 मिनट सारे फ़ोन में गेमिंग परफॉर्म की, तो सरप्राइजिंगली गाइस जो रेगुलर 13 प्रो है उसकी परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा अच्छी मिल रही है कंपेयर टू प्रो प्लस के। देखो तीनों फ़ोन में दिखा रहा हूँ, ऑफकोर्स 12 प्रो से अगर आप 13 सीरीज़ पे आ रहे हैं तो परफॉर्मेंस जंप तो दिखाई पड़ेगा, वीडियो में आपको ज़्यादा बढ़िया चलेगा, लेकिन जो 13 प्रो है उसमें आप 60 FPS के कॉन्स्टेंट गेम प्ले कर सकते हैं HDR सेटिंग में, लेकिन जबकि 13 प्रो प्लस एंड 12 प्रो में आप जस्ट 40 FPS की फ्रेम्स पा रहे हैं HDR में। हाँ, अगर आप स्मूथ में प्ले करते हैं तब तीनों डिवाइसेस 60 FPS सपोर्ट कर रही हैं। तो इस तरह से देखा जाएगा इस जो 13 प्रो वाला मॉडल है ये बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस दे रहा है। देखो CPU भी अच्छा है, फ्रेम रेट अच्छा मिल रहा है, और इसमें थ्रॉटलिंग भी नहीं है, स्कोर भी जिप्स का बढ़िया है, और बेंचमार्क सब कुछ सही है, प्लस डिस्प्ले इसका फ्लैट है, तो इसमें कोई भी ऐसे एक्सीडेंटल घोस्ट टच नहीं होता है जो कर्व डिस्प्ले में ज़्यादा होता है, तो ये आपको ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस दे रहा है। तो गेमिंग के नज़रिए देखना चाहते हैं तो सस्ते में आप ज़्यादा मजा ले सकते हैं प्रो में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फ्लैशी चाहते हैं तो आपको प्रो प्लस पे जाना चाहिए। मूविंग ऑन गाइस, अदर मेन स्टफ पे आते हैं, किस फोन का कैमरा कैसा है। देखो मैं सारी चीजें लिखता हूँ एकदम फोटोज देख देख के, ताकि आपका पैसा एकदम सही जगह जाए, जैसे मैंने सारे फोन खुद बाई करके आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। 13 प्रो प्लस सीरीज है जो, और 13 प्रो उसमें दोनों में एग्जैक्टली सेम कैमरा सेटअप है। रेडमी नोट 12 प्रो में जो मेन सेंसर था वो अलग था, लेकिन अल्ट्रा वाइड और मैक्रो एग्जैक्टली सेम है। फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, कलर्स एक्यूरेसी एंड डिटेल कंट्रास्ट की बात कर लेते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि जो 13 प्रो प्लस है उसमें जो शॉट आ रहे हैं वो थोड़े से सैचुरेटेड ज़्यादा हैं, जबकि 12 प्रो एंड 13 प्रो का जो हिसाब है ना वो थोड़ा सा नेचुरल साइड थोड़ा सा ज़्यादा है। डिटेल टेक्सचर तो देखो ऑफकोर्स 12 प्रो से 13 प्रो सीरीज में चेंज दिखाई पड़ेगा, लाइक लेटेस्ट वाले आपको थोड़े से बेटर टेक्सचर डिटेल दे लेंगे बिकॉज मेगापिक्सल ज़्यादा, तो आपको सबको ज़्यादा डिटेल्स मिल रही है। मेन कैमरे से अगर आप जूम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो देखो आप कोई भी यहाँ पे पेरिस्कोप नहीं है, जबकि जो ट्रेंड आया है 2024 का आपने देखा, बहुत सी कंपनियाँ चाहे वो फ्लैगशिप रेंज की हों या फ्लैगशिप फोन्स हों या बजट में, जैसे कि रियलमी ने यूज़ किया है कि पेरिस्कोप आ रहा है, तो ऑलरेडी कई फोन लॉन्च हो चुके हैं, पेरिस्कोप यहाँ पे मिसिंग है। खैर जो भी है, आप जितना जूम कर सकते हैं क्वालिटी आप देख सकते हैं, कुछ खास आप यहाँ पे ज़्यादा जूम नहीं कर पाएंगे। मेन कैमरे सेंसर से अगर आप लो लाइट के शॉट लेते हैं तो नाइट शॉट क्या है, देखो ऑफकोर्स 13 प्रो एंड 13 प्रो प्लस में ज़्यादा बेटर हैं कंपेयर टू 12 प्रो के। और आपने ये भी गाइस थोड़ा नोटिस किया होगा कि 13 प्रो एंड 13 प्रो प्लस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं कैमरे का, जस्ट जो CPU अलग है ना, थोड़ी सी प्रोसेसिंग का फ़र्क है। और रियर कैमरे से पोर्ट्रेट की बात करें तो जो पोर्ट्रेट मुझे मिल रहा है, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे रेडमी नोट 13 प्रो में बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, एज डिटेक्शन बहुत ही बढ़िया है और डिटेल्स भी सही मिल रहे हैं। जो 13 प्रो प्लस है उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस ज़्यादा बढ़ गई है, थोड़ी सी वाइटनिंग फेस पे ज़्यादा हो गई है। 12 प्रो में क्या है कि वो एक्सपोजर एंड कलर्स थोड़ा सा मेंटेन नहीं है रियर कैमरा, इवन तो वो सोनी का बढ़िया सेंसर था, आई बिलीव 766 शायद था, तो वो है नहीं। तो लेटेस्ट वाले में आप बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट ज़्यादा ले रहे हैं। अल्ट्रा वाइड की बात करें गाइस तो देखो कोई खास डिफरेंस है नहीं, तीनों फोन के अल्ट्रा वाइड काइंड ऑफ वेस्ट ही हैं, 8 MP हैं, तो बहुत ही सिमिलर शॉट आपको तीनों में आ रहे हैं, बट स्टिल 13 प्रो बस थोड़े बेटर इसलिए बिकॉज CPU नया है, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसिंग ग्राफिक्स की थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आपको अच्छे शॉट वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। एनीवेज एंड एट द लास्ट अगर हम मैक्रोस की बात कर लें तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, 2 MP में आप कुछ खास खास डिफरेंस देख भी नहीं पाएंगे, सब में शॉट्स बराबर आ रहे हैं। वीडियोस की बात कर लेते हैं, देखो ऑफकोर्स तीनों फ़ोन में आप 4K के सपोर्टेड वीडियो बना सकते हैं, स्टेबलाइजेशन भी तीनों फ़ोन में दिया गया, लेकिन जितना मैंने नोटिस किया गाइस स्टेबलाइजेशन उतना बढ़िया है नहीं, लाइक तीनों फ़ोन जस्ट काइंड ऑफ ओके हैं, जिटर सब में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मूथ वीडियोज़ बन रहे हैं, कुछ ऐसा खास है नहीं। 13 प्रो एंड प्रो प्लस में कलर वेरिएशन थोड़ा सा है, 13 प्रो थोड़ा सा बेटर स्टेबलाइज है और 12 प्रो बहुत ही कम स्टेबलाइज है। अल्ट्रा वाइड के वीडियो आप तीनों फोन से बना सकते हैं, लेकिन वो भी जस्ट 1080p रहेगा।
सेल्फी की बात करें तो सेल्फी में देखो ये अगेन पर्सनल प्रेफरेंस होता है, जो मुझे लगा वो ये कि 30 प्रो की फोटोज थोड़े से सैचुरेटेड हैं, प्रो प्लस में थोड़ा सा नेचुरल है, और प्रो की सेल्फी में HDR उतना बेटर है नहीं, लाइक पीछे सब चमन उड़ गया है पूरा, कुछ ऐसी वाली कहानी है। तो कैमरे में आपने देख लिया क्लियरली इस बार की रेडमी नोट सीरीज आई है वो बहुत ज़्यादा ना कैमरे सेंट्रिक पे फोकस है, जैसे कि अदर ब्रांड कह रहे हैं, मे बी शायद इसमें कुछ अदर चीज़ों पर ध्यान दिया गया लाइक डिस्प्ले एंड और कूल फैक्टर्स पे। देखो कैपेसिटी नियरली तीनों फोन में सेम है, प्रो में 100 मिलियंस की बैटरी बढ़ा दी गई है, पता नहीं 100 मिलियंस बढ़ा के कितना फर्क पड़ जाएगा। सो बैकअप तीनों फोन में मुझे नियरली इक्वल मिला है, लेकिन हाँ लास्ट जनरेशन का प्रो थोड़ा ज़्यादा इसलिए दे रहा है बिकॉज वहाँ पर रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम है, ये मुझे हल्का सा फर्क लगा, अदरवाइज ऐसे कोई खास डिफरेंस लगा नहीं, आप इक्वली पाएंगे। बची हुई चीज़ों की बात कर लेते हैं, इस बार काफ़ी मेजर चेंज हुआ है, फर्स्ट टाइम रेडमी नोट सीरीज ऑफिशियली आपकी वाटरप्रूफ फोन है IP68/67, तो इसका हमने ऑलरेडी जबरदस्त वाला टेस्ट परफॉर्म किया ही किया है, तो वो आप देख लीजिएगा क्या सीन है, फोन पास हुआ कि फेल हुआ है। फिलहाल देखा जाए तो 13 Pro Plus का स्पीकर ज़्यादा बेटर है, लाउड है, बेस ज़्यादा अच्छा है और क्रिस्प ज़्यादा है, उसके बाद 13 Pro का है और एट द लास्ट में 12 Pro का है। देखिए अगर आपको पैसा बचाना है तो मेरी मानिए तो Redmi Note 13 Pro अभी भी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी, डिस्प्ले बहुत अच्छा, कैमरा भी ठीक ठाक है, कुछ ऐसा बैड नहीं है। तो 12 Pro से आप 13 Pro पे आई थिंक उतना मेजर अपग्रेड है नहीं, हाँ अगर आप 11 Pro सीरीज रखे हैं जिसमें बहुत ही घटिया CPU वो सब था तो आप डेफिनेटली 13 सीरीज पे आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्सचेंज वैल्यू अच्छी मिल रही है, आपका फ़ोन अच्छे दाम पे निकल जा रहा है तो आप ऑलरेडी 13 Pro पे जा सकते हैं। 13 Pro Plus में देखो नया बढ़िया है कि ये IP68 फ़ोन है, कर्व डिस्प्ले वो है, अगर आप थोड़ा सा पैसा रेडमी के फ़ोन में ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं, अदरवाइज इस प्राइस में आपको और बहुत से अच्छे वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मिल रहे हैं, जैसे कि मोटो H40 भी है, वीवो का फ़ोन भी है, तमाम फ़ोन है जो आपको और अच्छे फीचर्स ऑफर कर सकते हैं। तो ये तो रहे गाइस मेरे वर्डिक्ट इन तीनों फ़ोन को लेके, आपको क्या लगता है आप भी प्लीज़ कमेंट से बताइएगा। स्टे ट्यून, बहुत सारे और एक्साइटिंग कंपैरिजन आ रहे हैं, जैसे कि IQ, वीवो, मोटोरोला, सैमसंग, वन प्लस, सारे के सारे फ़ोन भरे पड़े हैं और सबके साथ मैं आपको कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल्स पे बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा।